बात करते हैं कि मैटर क्या है हमारे पास। ठीक है, मैटर की बात करते हैं। तो मैटर क्या है? मैटर कोई भी चीज ऐसी है, कोई भी चीज जो क्या करती है, स्पेस रखती है, जगह घेरती है, जो है वो मास रखती है, कोई वजन रखती है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। इसमें कोई भी लकड़ी है, कोई भी चीज है जिसकी वजन है या फिर वो स्पेस कैरी कर रही है, वो क्या है? वो मैटर है। अब मैटर के अंदर क्या चीज होती है? मैटर खुद किस चीज से बना है? मैटर बना है सब्सटेंस से, जिसको उर्दू में हम शय भी कहते हैं। ठीक है, मैटर किससे बना? सब्सटेंस से। ठीक है, सब्सटेंस छोटा होता है और मैटर क्या होता है? बड़ा होता है। तो सब्सटेंस क्या होती है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है। तो सब्सटेंस क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। और सब्सटेंस खुद किससे बना? सब्सटेंस खुद बना है एलिमेंट से। ठीक है, एलिमेंट खुद किससे बना है? एलिमेंट खुद बना है एटम से। ठीक है, मैटर किससे बना है? सब्सटेंस से। और सब्सटेंस खुद किससे बना है? एलिमेंट से। और एलिमेंट किससे बना है? एटम से। ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को बनने के लिए करोड़ों एटम मिलते हैं तो एक एलिमेंट बनता है। और इस एटम की तमाम खसूसियात अगर एक एलिमेंट को एक एलिमेंट बनना है तो करोड़ एटम लगेंगे। ठीक है, इससे भी ज्यादा लग सकते हैं। और इस एटम की जो करोड़ की करोड़ एटम होंगे, उन तमाम की खसूसियात क्या होंगी? एक जैसी होंगी। अगर इन तमाम एटम्स की खसूसियात यकसा होंगी देन वो एलिमेंट बनाएगा। अदरवाइज अगर किसी एक की भी प्रॉपर्टीज से डिफरेंट है, एक दूसरे से एटम डिफरेंट है, देन वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं बना सकता, एक खास एलिमेंट नहीं बना सकता। ठीक हो गया, समझ आ गई? तो एटम क्या है? अब एटम की बात कर लेते हैं। एटम क्या है? अनडिविजिबल पार्टिकल है, इसको तकसीम नहीं किया जा सकता। और एक डॉट के अंदर करोड़ों हजारों की तादाद में क्या हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब एटम मिलते हैं, ठीक है, जब एटम मिलते हैं तो मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर ये आपके हाइड्रोजन के दो एटम है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, मैंने यही बात की कि मॉलिक्यूल्स कब बनेंगे? जब एटम्स मिलेंगे तो वो एक मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, अब जब मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या सूरत इख्तियार करते हैं? कंपाउंड की सूरत इख्तियार करते हैं। कंपाउंड, जिस तरह के H2SO4 क्या है? ये कंपाउंड। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, एक सल्फर का और चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स मिलकर फिर एक क्या बना रहे? एक कंपाउंड बना रहे। ठीक है, और डिफरेंटली जब बहुत सारे कंपाउंड रैंडमली मिलते हैं, फिक्स नहीं, रैंडमली कितने भी मर्जी आकर मिल जाए लेकिन उनकी रेशियो फिक्स ना हो, तो वो फिर क्या बनता है? आगे मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, कंपाउंड की फिक्स रेशियो ना हो, जितने मर्जी रैंडमली आकर आपस में मिल जाए, तो वो फिर क्या बन जाता है? मिक्सचर। ठीक है, जिस तरह डिफरेंट कलर का मिक्सचर है, हमने वेट नहीं किया कितना कलर है, बस ऐसी ऑरली डाल दिया, तो ये हमारे पास क्या है? मिक्सचर बन गया। ठीक है, तो ये मैटर का मैंने आपको नैरो कॉन्सेप्ट दिया। इसके अंदर आपको जो समझने की जरूरत है वो इन दो बेसिक चीजों को समझने की जरूरत, एलिमेंट और एटम के बारे में। इस एटम के बारे में मैं बहुत मजीद डीपली एक्सप्लेन करूंगा।